विधायक प्रतिनिधि ठाकुर तथा एसडीएम चौरसिया ने सिविल अस्पताल में फीवर क्लिनिक का किया उद्घाटन। जी हां, खबर है सागर के खुरई से, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे अपनी जगह छोटी छोटी कस्बों में फैलाता जा रहा है, तो उसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक खोलने का आदेश दिया। खुरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा स्वास्थ्य विभाग की विगत दिवस आयोजित बैठक में निर्देश दिए थे कि 31 मई तक समस्त विकास खंडों में फीवर क्लिनिक प्रारंभ कर स्वास्थ्य परीक्षण प्रारंभ कराया जाए, जिसके मद्देनजर 31 मई रविवार को समस्त खुरई विकास खंडों में फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। रविवार को खुरई सिविल अस्पताल में विधायक प्रतिनिधि श्री चंद्र प्रताप सिंह ठाकुर और खुरई एसडीएम श्री मनोज चौरसिया के द्वारा फीवर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि खुरई मालथौन खेमलासा आदि में फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जिससे क्षेत्र में सर्दी बुखार के मरीज को अलग से उपचार कर दवाइयाँ दी जा सकें तथा इसके लिए एक अलग से दवाइयों का काउंटर बनाया गया, जहां पर सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित मरीज की या जिनमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं केवल वही यहां से दवाइयां ले सकते हैं। अन्य प्रकार के सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीज का ऐसे मरीजों से संपर्क न रहे और कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके, इसके लिए क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। बीएमओ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्लिनिक के प्रभारी नीतीश दुबे रहेंगे। कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर जिले के 11 विकास खंड में फीवर क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ किया गया एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि चंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, एसडीएम मनोज चौरसिया, तहसीलदार संजय जैन, बीएमओ शेखर श्रीवास्तव, डॉक्टर नितेश दुबे और सिविल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे। फीवर क्लिनिक कहलाती है और इसको आम बुखार के लोगों से इसको अलग करने के लिए क्लिनिक खोली गई है। जितने भी बुखार के और सर्दी खांसी के पेशेंट होते हैं उनको अलग से इस क्लिनिक में लाया जाएगा और यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके पता किया जाएगा कि क्या ये कोरोना से प्रभावित है या नहीं। ऐसे लोग जो पाए जाएंगे कोरोना प्रभावित, उनको कोरोना ट्रीटमेंट होगा, बाकी लोग तो सामान्य ट्रीटमेंट करके दे दिया जाएगा। इसलिए फीवर क्लिनिक को जनरल ओपीडी से इस पर अलग किया गया, इसके लिए आज शुरुआत की गई है और आगे ये चलता रहेगा। माननीय विधायक प्रतिनिधि जी द्वारा एवं एसडीएम महोदय द्वारा फीवर क्लिनिक का शुभारम्भ किया गया है। ये फीवर क्लिनिक सिविल हॉस्पिटल खुरई, स्लम डिस्पेंसरी पीएससी खिमलासा एवं अन्य मालथन ब्लॉक सीएससी और पीएससी लेवल पे सभी पे आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसका इस फीवर क्लिनिक में जितने भी पेशेंट हमारे आते हैं, क्योंकि वे दूसरे मरीज इनसे संक्रमित ना हो, सर्दी खांसी और बुखार जो के मरीज होंगे वे वहाँ से उनको बाइफर्केशन करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन अलग से किया जाएगा। सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज भी अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।